अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी मंडी ने सेरी चांदनी में महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। महिला समिति की जिला अध्यक्ष वीना वैद्या ने कहा कि जनवादी महिला समिति लगातार रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी तथा रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं डिपुओं के माध्यम से मिल रहे सस्ते राशन और खाना पकाने के तेल में बेतहाशा वृद्धि की गई है। इस महंगाई ने आम महिलाओं का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की मांग उठाई है। वीना वैद्य जनवादी महिला समिति जिला अध्यक्ष, आज हम सभी महिलाएं जो हैं एकत्रित होकर के महंगाई के खिलाफ यहां सेरी चांदनी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम समय समय पर आम जनता की और विशेषकर महिलाओं को जो घर चलाना मुश्किल हो गया है उन सभी समस्याओं को बार बार उठाते आए हैं। आज भी महंगाई चरम सीमा पर है। हमारे नेतागण जो हैं वे केवल झूठे नारे लगा रहे हैं और लारे लप्पे देते हैं, जुमले छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन महंगाई पर किसी तरह की रोक नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जिससे कि महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो आज हम सब महिलाएं मिल करके उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने आए हैं कि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं और महिलाओं की समस्याओं को समझेंगे। और इसीलिए इस अवसर पर हमारी ये महिला समिति जो है ये मांग करती है कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए, रसोई गैस के उज्ज्वला योजना जो चलाई थी उसका तभी फायदा होगा जब रसोई गैस के सिलेंडर के दाम कम करेंगे और आवश्यक वस्तुओं के दाम कम करेंगे, रोजगार के साधन जो है वो लोगों को देंगे, उपलब्ध कराएंगे, आवश्यक वस्तुओं के दामों को कम करेंगे और जो राशन डिपुओं में मिलता है उनके दालों इत्यादि के दाम जो है सरकार ने बढ़ा दिए हैं उनको कम करना होगा। और जो राशन वो दे रहे हैं, राशन गला सड़ा दे रहे हैं और वो भी सही तरह से दिया जाए ताकि सभी लोग जनता आम जनता जो है उस राशन को खा करके बीमार ना पड़े, क्योंकि अक्सर देखा गया है दालों में कीड़े पड़े होते हैं और बहुत गंदा फंगस लगा हुआ राशन आटा इत्यादि मिलता है। तो ये साफ़ सुथरा मिले और जो गैर आय करदाता है जो उनको 7500 रुपये प्रति माह दिया जाए और जो गरीब लोग हैं उन्हें हर महीने 3500 किलो राशन दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम यहां पर एकत्रित हुए हैं और अभी थोड़ी देर के बाद हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। खिलाफ जो है यहां पर सब एकत्रित हुए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।